नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है, इस बीच तमाम उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें यूसीसी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर जयंत चौधरी, जो कि आरएलडी के प्रमुख हैं और वर्तमान में एनडीए गठबंधन में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहां पर दावों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाली सरकार में यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो क्या यूसीसी प्राथमिकता के तौर पर उठाए जाने वाला पहला मुद्दा रहेगा? इस पूरे घटनाक्रम और गृह मंत्री अमित शाह पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जयंत चौधरी, सुनिए जरा। चुनाव सेंट्रलाइज नहीं होगा, चुनाव के कई मुद्दे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आदमी चयन करना चाहते हैं, वोटर चयन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को भी उन्होंने देखा है, 10 साल सरकार के काम को देखा है, उससे प्रभावित हुए। लेकिन अखिलेश यादव मथुरा सीट की अगर बात करूं तो जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। आई चलिए, प्लीज लेट्स कोऑपरेट। आई थैंक यू। आज इसके अलावा कोई मसाला नहीं मेरे पास, पूरा पिटारा खाली है। थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने बोला था हेमा मालिनी के लिए आप प्रचार करने के लिए आए हैं, हेमा मालिनी आपके लिए आएंगी भविष्य का संकेत? क्यों नहीं है, सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं, वो भी करेंगे, मैं भी करता हूँ। 15 साल पहले उन्होंने किया था, आई थी सर। आइए, ऐसे नहीं हो पाएगा। देखो वोटर आ रहे हैं यहाँ से, आइए प्लीज। अमित शाह जी ने क्या स्वरूप होता है वो देखेंगे सर, लेकिन महिलाओं के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम सरकार लेगी। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि यूसीसी यदि लागू किया जाएगा और हमारे समर्थन की यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हमारा सहयोग उनके साथ है। साफ तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव एक बड़ा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि केंद्र की सत्ता में तीसरी बार हैट्रिक लगाई जाए। और इस बार 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, उसमें जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में हेमा मालिनी से चुनाव प्रचार करने को लेकर के और तमाम मुद्दों पर जयंत चौधरी सहयोग की बात करते नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और उसी के अनुरूप आने वाले वक्त में नतीजे सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि क्या उत्तर प्रदेश से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सियासत का ताज सजने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।